अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार चना चावल बिरयानी। बिल्कुल देख स्टाइल बिरयानी बनाएंगे हम, जिसके लिए हम सबसे पहले बर्तन में घी डालेंगे। 2 कप राइस के लिए मैंने 2 ही फोर स्पून घी के डाले हैं। इसमें हम 1 अदद कटा हुआ प्याज ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन होने तक हम इसको खूब हिलाएंगे पकाएंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। को साथ साथ हिलाते रहें। इसको साथ साथ आप हिलाते रहें ताकि प्याज सिर्फ एक जगह से ब्राउन ना हो, सारा प्याज एक जैसा लाइट ब्राउन हो। प्याज हमारा ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे, जिसमें 2 कटे हुए टमाटर हैं, 4 से 5 कटी सब्ज मिर्ची हैं, 1 कटा हुआ नींबू, 1 कड़ी पत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, सब्ज मिर्ची 5 से 6 अदद कटी और चने, 1 पाव चने हैं बॉईल किए हुए, 1 अदद पैकेट बिरयानी मसाला, 1 से 1.5 चम्मच सूखा मिर्च का, नमक, हसबे जायका, क्योंकि चनों में भी नमक डाल के बॉईल किया गया था, सिरका, 3 से 4 कतरे सिरके के डाले हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसका घी ऊपर आ जाए और इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाए। चावलों की खुशबू चारों तरफ फैल जाए तो समझे कि हमारे चावल बहुत ही मज़ेदार तैयार हो रहे हैं। अब उसमें बिरयानी हो, पुलाव हो, चना बिरयानी हो या कुछ भी राइस हो, अच्छे से हम इसका घी निकलने देंगे। इसको खूब भूनेंगे। कम से कम इसको आप 10 मिनट के लिए चनों को भूनें, नीचे ना लगने दें, बस इसको साथ साथ हिलाएं। ये खुशबू अब चारों तरफ फैल रही है। हिलाते जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जब खुशबू चारों तरफ फैल जाए। पानी हमने चावलों के हिसाब से ऐड किया है, 2 कप चावल थे तो 3.5 कप पानी मैंने ऐड किया है।
हर शहर का अपना अपना हिसाब होता है पानी का। कुछ पानी में जल्दी चीज़ गल जाती है और कुछ पानी ज़्यादा लेती हूँ। तो मैं जो राइस बनाती हूँ उसमें साढ़े अगर 2 कप पानी है तो सॉरी 2 कप राइस है तो मैंने 3.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। शुरू में हम इसको तेज आग पे पकाएंगे। जब पानी आधा खुश्क हो जाए तो हम इसकी आग दरमियानी कर देंगे और इस पे आधा ढक्कन दे देंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इस पे हाफ ढक्कन दे देंगे और इसकी आग दरमियानी कर देंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अब मैं देखेंगे नमक वगैरह मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरा ढक्कन देके आग धीमी कर देंगे। बिल्कुल धीमी नहीं रखनी है, दम पे हम रखेंगे रुमाल देके। रुमाल देने का ये फ़ायदा होता है कि चावलों में पानी अच्छे से जज़ब हो जाता है। ये देखें जी, ऑलमोस्ट हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको रुमाल वाला दम देंगे। जर्दा रंग डाला है। रुमाल वाला दम दे रहे हैं हम इसको। इसकी आग बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे, बिल्कुल हल्की। हमारे राइस तैयार हैं। 5 मिनट के दम के बाद चीज़ें हमारे राइस बिल्कुल तैयार हैं और खुशबू चारों ओर फैल चुकी है। बनाएं, खुद भी खाएं और सबको भी खिलाएं और खूब लुत्फ़ अंदोज़ हों। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।